और ये रहा गार्डन। गार्डन तो आपने देखा ही होगा कितना अच्छा था, सिर्फ कपल बैठे हुए वहां पे और कोई नहीं। दो का घर यहाँ पे है, शाहरुख खान सलमान खान दोनों का घर यहाँ पे। जाने से पहले मैं आपको दिखा दूंगा बाहर से, अंदर से नहीं। ये रहा शाहरुख खान का घर जिसे कहते हैं मन्नत। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग, आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ मुंबई की बहुत फेमस जगह पे, बांद्रा बैंडस्टैंड। कुछ ऐसा है ये नज़ारा। वैसे ये काफ़ी फेमस है बिकॉज कपल फ्रेंडली भी है, यहाँ पे नज़ारे हैं और यहाँ पे बॉलीवुड स्टार्स शाहरुख खान सलमान खान और बहुत सारे और सेलिब्रिटीज़ के घर भी है यहाँ पे, जिसका पूरा व्यू एकदम समुंदर के पास में दिखता है सामने सामने। तो इसी के लिए जगह बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसका अगर आप बांद्रा स्टेशन पे आएंगे तो बांद्रा स्टेशन से आपको दो तरीके यहाँ पे आने के लिए मिलते हैं। पहला तरीका है ऑटो, दूसरा तरीका है बस। ऑटो शेयरिंग है, बस में 5 रुपया लगता है पर पर्सन, जिसमें से मैं आया हूँ। ये रहा कुछ टिकट और ऐसा रहता है कुछ बस से आने के लिए। और अगर आप ऑटो से आएंगे तो ऑटो का 20 से 40 रुपया लगता है। देखने जाएंगे तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे आते हैं वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ऑटो वाले अपने हिसाब से भाड़ा तय कर लेते हैं। कभी कभी वो बोलते हैं 20 रुपये में चल देंगे, कभी कभी वो 40 रुपये में 30 रुपये में, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। वैसे 20 रुपये ही लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, या तो 30 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं लगता। वो आपको डायरेक्टली बांद्रा बैंड स्टैंड के सामने गेट पर छोड़ देगा, तो आप वहाँ पर आराम से आ जाइएगा और यहाँ पर आप जाके पूरा व्यू देख सकते हैं। वैसे ये जो यहाँ पर एक काम भी चल रहा है, वो समुंदर में एक सी वी बना रहे हैं, तो उसकी वजह से आधे से ज़्यादा जो जगह है वो पूरा कवर है। जैसे कि आप शायद से अगर इतना कैमरा जूम हो पा रहा होगा क्या, यहाँ पे एकदम मरीन लाइन जैसा ही पत्थर रखा हुआ है बड़ा बड़ा, और उसके आगे वहाँ तक पानी आता है कभी कभी जब ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सुनामी? नहीं नहीं सुनामी नहीं कहते, ज्वार भाटा को कुछ इंग्लिश में कहते हैं। बट ये जो पत्थर रखा हुआ है ये मरीन लाइन जैसा पत्थर है, और उसके आगे वहाँ तक पानी आता है, और सामने का नज़ारा एकदम समुंदर खूबसूरत। फोटो क्लिक करने के लिए भी ये बहुत फेमस है। वैसे यहाँ पे फोटो शूट बहुत होते रहते हैं फिलहाल, जैसे कि कॉलेज के स्टूडेंट्स और यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है। वैसे यहाँ पे दो प्लेस है, एक तो वो जो अभी हमने देख के आए, दूसरा हमें रोड के साइड से जाना पड़ता है। अगर देखने जाएंगे तो रोड के साइड से दूसरे साइड से घूम के ये सारा इस रास्ते से हमें आगे जाना पड़ता है, तो फिर हम जाके दूसरे साइड बैंड स्टैंड के पहुँचते हैं, क्योंकि वो एक एरिया है और फिर वहाँ पे बंद हो जाता है थोड़ा सा, घर और बने हुए और यहाँ पे प्लेग्राउंड भी है, तो उसी की वजह से हमें ऐसा पूरा घूम के उस साइड से जाना पड़ता है। जैसे अभी तो हो रहे हैं दोपहर के करीबन 1:30 बजे, तो इधर तक पहुँचने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि कल रात में मैं एकदम लेट नाइट तक काम कर रहा था, तो उसके चक्कर में सुबह उठने में लेट हो गया। तब बस भूख लगी तो कुछ थोड़ा सा नाश्ता हो जाए, जैसे मैंने सैंडविच बोला है, और यहाँ पे ये खाओ गली कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे पानी पूरी, भेल पूरी और बहुत सारे अदर शॉप्स हैं, जैसे कि पाव भाजी है, मैं देख लूँ, हाँ पाव भाजी भी है और सैंडविच है। मुझे सैंडविच पसंद है, थोड़ा सा डाइट पे हूँ इसीलिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ थोड़ा सा कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ, बट अभी फ़िलहाल के लिए तो डाइट करने के चक्कर में सिर्फ सैंडविच फ़िलहाल।
सैंडविच तो बहुत अच्छा था। अभी वहाँ से और आगे जाएंगे तो अपना बैंड्रा बैंड स्टैंड आएगा सेकंड वाला। बट यहाँ पे आने से पहले यहाँ पे एक और चीज़ दिखती है, ये ताज लैंड। ये मुंबई का बहुत बड़ा और मशहूर जो एकदम बैंड्रा बैंड स्टैंड के नियर बाई है। इसी रास्ते से हम जाएंगे बैंड स्टैंड जाएंगे और यहाँ पे ही ये आता है ताज लैंड। ये बहुत बड़े पैमाने पे बना हुआ है, ये बहुत फेमस है। ये रहा यहाँ का टाइमिंग, 6 बजे तक खुला हुआ है, सुबह के 6 बजे से रात के 6 बजे तक। यहाँ से बैंड्रा वर्ली सी दिखता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा खतरनाक धूप में आ चुका हूँ। ऐसा मुझे ना औरंगाबाद में जब मैं ओंकारेश्वर गया था वहाँ की याद आ गई, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वैसे वहाँ से जब आएंगे दूसरी साइड से, वैसे यहाँ पे दो साइड है, ऐसा दो एरिया नहीं है, दो साइड बोल सकता हूँ मैं। एक तो बैंड्रा बैंड स्टैंड, वहाँ से यहाँ पे आने के लिए बीच में पूरा स्पेस नहीं दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रूम्स और बस डिपो और ये सब बना हुआ है, इसलिए हमको वहाँ से आना पड़ता है और बीच का सीन नहीं दिखता है। तो वहाँ से आएंगे तो ये दूसरा साइड आता है। यहाँ से हम पीछे जैसे आप देख सकते हैं ये बैंड्रा वर्ली सी है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली चर्चगेट के लिए कार से ही जा सकते हैं, बाइक अलाउड नहीं है यहाँ पे इस ब्रिज पे। और ये कुछ नज़ारा है यहाँ का, इस जगह पे बहुत सारी शूटिंग्स हो चुकी है, जैसे कि हमारा एक सलमान खान की एक मूवी आई थी वांटेड, वहाँ की भी शूटिंग इसी जगह पे हुई थी। उनका घर भी यहीं पे, वो बॉलीवुड के सुपरस्टार ही हैं एक हिसाब से देखने जाएंगे तो, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, और ये दोनों तीन दो का घर यहाँ पे है, शाहरुख खान सलमान खान दोनों का घर यहाँ पे। जाने से पहले मैं आपको दिखा दूंगा बाहर से, अंदर से नहीं। और यहाँ पे शूटिंग वूटिंग होती रहती है, बहुत ज़्यादा होती रहती है। जब शूटिंग होती है तो यहाँ पे बंद करा देते हैं ये पूरा एरिया शूटिंग के लिए। फिलहाल यहाँ पे अभी क्रिसमस होने वाला है, तो क्रिसमस के लिए अंदर गार्डन में कोई फंक्शन अभी बना रहे हैं, पूरा डेकोरेशन चालू है। जैसे वो रेडी हो जाएगा, आज शाम को कोई कॉन्सर्ट होने वाला है। मैंने पूछा वहाँ पे कि कौन सा कॉन्सर्ट होने वाला है, उन्होंने बोला कि ये कोई किसी दूसरी जगह का है, जैसे कि उन लोग ऐसा उन लोग का टिकट उकट कुछ भी नहीं है, पासेस है, उन लोगों ने सिर्फ संस्था को प्रोवाइड किया हुआ है, तो पासेस तो मिल नहीं पाया और अच्छे से पता नहीं चल पाया कि कौन सा कॉन्सर्ट है, बट कोई कॉन्सर्ट है। और वो जो गार्डन है वो कपल गार्डन है, हम किसी की प्राइवेसी को तोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाया फिलहाल के लिए। लेकिन वहाँ पे देखने जाएंगे तो कपल्स ही बैठे रहते ज़्यादा करके, कॉलेज स्टूडेंट्स और बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड ऑल। तो ये पूरा व्यू है, आगे चलता हूँ। यहाँ से हम लोग आए थे, एंट्री किए थे, और ये रहा गेट। यहाँ पे आके यहाँ पे पूरा एरिया ख़त्म हो जाता है और कुछ ऐसा व्यू है अच्छा खासा।
ये कॉन्सर्ट चल रहा है यहाँ पे, चल के आते ना। ये कोई कॉन्सर्ट चालू है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, बट अभी पता नहीं चला कि किसका कॉन्सर्ट है। और ये रहा गार्डन, तो ये रहा हमारा बैंड्रा बैंड स्टैंड का सेकंड साइट। और गार्डन तो आपने देखा ही होगा कितना अच्छा था, सिर्फ कपल बैठे हुए वहाँ पे और कोई नहीं। और वहाँ पे कोई कॉन्सर्ट चल रहा है वो जो हमें अभी पता नहीं चला, 6 बजे चालू होने वाला है, बट लेट्स सी वो कब चालू होता है। बट मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा काम आ गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी निकल रहा हूँ। बिकॉज मेरा मैनेजर शाउट कर रहा है मेरे पे कि वी हैव अ ट्रेनिंग, देखता हूँ वो भी जाके। तो फिलहाल आज के लिए ऐसा रहा, अब यहाँ से निकल के आगे जाते हैं। ये रहा शाहरुख खान का घर, जिसे कहते हैं मन्नत, जो बहुत फेमस है, आप देख सकते हैं मन्नत। और ये है डायरेक्ट समुंदर के सामने, तो यहाँ का जो व्यू होगा वो एकदम समुंदर दिखता होगा यहाँ से एकदम इजीली। एक ये फेमस प्लेस है देखने के लिए, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मन्नत देखने के लिए। गार्डन से निकला है, अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। वैसे ये बस में हूँ मैं, 5 रुपया टिकट है बस स्टेशन तक का, और वहाँ से स्टेशन से बैंड्रा से कांदीवली। ठीक है, आपसे कल मुलाकात होगी नई वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।